एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। गुड़गांव वाली माता मंदिर प्रांगण में इसमें फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू वर्सेज मिताथल हरियाणा के बीच महामुकाबला इस समय। चलिए खेल शुरू होता हुआ पहला राइड इस समय कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू का, और एक पॉइंट यहां पे अर्जित किया है और पहला राइड मिताथल हरियाणा की ओर से आशीष नौ नंबर की जर्सी में। परछाइयां लंबी होती हुई फाइनल के लिए जंग इस समय, और यहां पे नियंत्रण क्या खोया है देखते हैं आखिर अंपायर का निर्णय। बॉन्द सर जीत किया है। जी हाँ, कोटिले डिफेंस एकेडमी गोल से रेड लेकर आगे बढ़ते हुए समय और पीछे सवार किया, बहुत ही जबरदस्त पकड़ उतना ही बेहतरीन पुश करते हुए बाहर धकेला। अच्छा कार्य किया डिफेंडर ने। 8-2-8 का ये मुकाबला, क्योंकि सूर्य अस्त होने की कगार पे इसलिए, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया हुआ कमाल का, अकेले नहीं थाम लिया। यह है खूबसूरती कबड्डी की। इस समय डोलानिया की पावन पवित्र धरा पे फाइनल मुकाबला इस समय कोटिले डिफेंस एकेडमी वर्सेज मिताथल हरियाणा, यानी कहें कि राजस्थान और हरियाणा आमने सामने पॉइंट की तलाश में, लेकिन मौके की लगा नजाकत में यहां पे लगातार देखिएगा समय कम, इसलिए वापिस खाली हाथी। और सुनील आए हैं इस समय, सुनील जो कि प्रो कबड्डी के प्लेयर, जो 1 करोड़ की कबड्डी हुई थी उसमें खेलने का सरे भी हासिल है। झपट्टा मारने की कोशिश मगर सुंदर बचाव फिर से कोटिले की ओर से। युवा स्टार आगे बढ़ते हुए देखते हैं आखिर किसके सर पे होगा ताज। गुड़गांव वाली माता मंदिर में फाइनल मुकाबला आज निर्णायक के रूप में ओम प्रकाश जी जांगीर और उनका साथ देते हुए इनके पार्टनर एक अंक के साथ घर वापसी की। कोटिले डिफेंस एकेडमी के रेडर ने दबाव बनाने की कोशिश कोटिले की मिताथल के ऊपर, लेकिन ये देखिए युवा स्टार इस समय एक बार फिर से सुरक्षात्मक रुख। इससे पहले लड़कियों का कबड्डी खेली गई, कुश्तियाँ एक के बाद एक बेहतरीन देखने को मिली, लेकिन यहाँ इस समय इस वक्त फाइनल मुकाबला 5 डिफेंडर और यहाँ पे पुश करते बाद अकेले कोशिश की लेकिन पहुंच गए, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट अर्जित किया कमाल का राइड। फिर से ब्लैक जर्सी में आगे बढ़ते हुए पॉइंट की तलाश इस मिताथल को, लेकिन पिछली राइड पे अच्छा कार्य करने की कोशिश की थी कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू ने, और ये देखे जबरदस्त ब्लॉक किया है दर्शकों में हलचल। एक और अंक कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू, क्योंकि झुंझुनू झुकता नहीं है और ये यहाँ पे साबित किया है कोटिले डिफेंस एकेडमी ने। पिछली राइड पे पॉइंट अर्जित किया था इसलिए पहला ही राइड है, और यहाँ सुपर टेकल ऑन है 3 डिफेंडर। मौका है कोटिले के पास, सीने को टच किया 56 इंच का और सीधे पहुंच गए अपने घर में। एक अंक होना चाहिए या फिर 2, छोटी सी मंत्रणा, 1 अंक 2 पॉइंट। जी हाँ, 2 पॉइंट अर्जित किया झुंझुनू मजबूत स्थिति में, क्योंकि झुंझुनू झुकता नहीं है, बढ़त बनाता हुआ इस समय मिताथल हरियाणा के ऊपर गुड़गांव वाली की माता मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन। और देखिए एक बार फिर से वही कार्य किया जबरदस्त, यह है झुंझुनू ऑल आउट, और इसी के साथ 3 पॉइंट झुंझुनू की झोली में। झुंझुनू बेहद अच्छी स्थिति में मिताथल के सामने। मिताथल इस समय अंडर प्रेशर। माईलाल जी बुडानिया यहाँ पे लगातार टकटक लगाए हुए, देखे एक बार फिर से बेहतरीन रेड 2 पॉइंट के साथ वापिस 10 नंबर के जर्सी में। जबरदस्त मुजाहिरा रेड का, एक के बाद एक लगातार बेहतरीन रेड, कमजोरियों का फायदा उठाते हुए इस समय कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू के रेडर, और जो दबाव बनाए शुरुआती खेल में उसका लाभ मिलता हुआ। दबाव में देखिए आसान नहीं अंक बटोरना, यह है झुंझुनू टच किया है शायद। जी हाँ, 1 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे
बड़ी देर के बाद देर आए दुरुस्त आए। पहले आपका खेल इस समय फाइनल महामुकाबला झुंझुनू वर्सेज मीताथल हरियाणा यानी कि राजस्थान और हरियाणा आमने सामने। कोटिले डिफेंस एकेडमी लगातार प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ, लेकिन उनके सामने मीताथल देखे इस समय दबाव में, क्या कैच कर पाएंगे? गलती की है, सुनील को बाहर भेज दिया इस समय और बेहतरीन रेड। एक अंक के साथ स्कोर में इजाफा लगातार माईलाल जी बुडानिया बेहतरीन वरिष्ठ अध्यापक सेवाएं देते हुए कमेटी के रूप में, और यहां भी पॉइंट मिल गया इस छोर से भी। अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि पहले ही आपका खेल है, दूसरे हाफ में देखते हैं खेल किस रंग में आएगा। अभी करीब 6 मिनट का खेल और उसमें झुंझुनू बढ़त पे। थोड़ा सा रक्षात्मक रूप अपनाने की कोशिश की क्योंकि बढ़त झुंझुनू के पास है। और ये लीजिए, अरे वाह, एक बार फिर से लंबी उड़ान भरे और एक पॉइंट बटोर लिया। यह है झुंझुनू, जबरदस्त दूरभाष के माध्यम से सूचना प्रेषित करते हुए माईलाल जी बुडानिया की बढ़त है झुंझुनू के पास। पुश करते हुए वे बाहर धकेलने कोशिश, लेकिन पहुंच गए एक अंक के साथ जरूर स्कोर में इजाफा, लेकिन बढ़त को क्या काट का पाएंगे मीताथल के उभरते हुए युवा खिलाड़ी। बेहतरीन रेडर कोटिले डिफेंस एकेडमी की ओर से, लेकिन एक बार फिर से वही रवैया, गलतियों से बचने की कोशिश। पहले आपका खेल गुरुजी, स्कोर 13 इस समय झुंझुनू 13 जबकि मीताथल 6 पे रुका हुआ, यानी 7 अंकों की बढ़त है। और ये बेशकीमती कोटिले डिफेंस एकेडमी के लिए मौके की तलाश, एकाग्रता बेहतर होगी, जीत उसी की होगी। और ये देखिए बाहर धकेल दिया, 3 पॉइंट यहाँ पे सुपर डुपर रेड। और ये देखिए एमएल बुडानिया जी काफी खुश नजर आते हुए सुपर रेड 3 पॉइंट अर्जित किए हैं। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 जा पहुंचा, यानी अब 10 अंकों की बढ़त है झुंझुनू के पास। अब आसान नहीं होगा मीताथल के लिए वापसी करना लाइन को सुधारते हुए, और यहाँ बेहतरीन कैच किया है। लीजिए पहले आपका खेल इसी के साथ पूरा, मीताथल 6 जबकि झुंझुनू 17 यानी 11 अंकों की बढ़त है कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू के पास। सुनील चले हैं रेड पे, जिम्मेदारियां सुनील के कंधों के इर्द गिर्द नजर आ रही हैं। ये अनुभवी खिलाड़ी जो वापसी करा सकते हैं टीम को, 11 अंकों की बढ़त कम नहीं कही जा सकती 8-2-8 के मुकाबले में। दूसरे आपका खेल शुरू हो चुका और पहली रेड बगैर किसी पॉइंट हासिल के वापिस लौटना पड़ा। सुपर टेकल ऑन है, सिर्फ 2 ही डिफेंडर, आसान मौका है फिर से झुंझुनू के पास ऑल आउट करने का। यहां से ऑल आउट करते हैं तो फिर लगभग जीत सुनिश्चित होगी कोटिले डिफेंस एकेडमी की, और यदि कैच करते हैं तो 2 पॉइंट जाएंगे मीताथल के प्याले में। यहां गलती की है, जी हाँ, और 1 पॉइंट अर्जित किया, अच्छा कार्य किया लेकिन रोक नहीं पाए सुनील। अंतिम खिलाड़ी इस समय ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, 6 के मुकाबले 18। और ये देखिए, अरे वाह, चट्टान की तरह सामने आ गए थे और बटोर लिया 3 पॉइंट यहाँ पे। जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ इस समय कोटिले डिफेंस एकेडमी झुंझुनू, क्योंकि झुंझुनू झुकता नहीं है। 8 मार्च 2018 को सुना होगा आपने, झुंझुनू में मोदी जी ने कहा था और वो यहाँ पे कोटिले डिफेंस एकेडमी साबित करता हुआ। दबाव और दबाव में ही अक्सर गलतियां होती हैं, इसलिए अब मीताथल को जोखिम उठाने की जरूरत है क्योंकि गुच्छों में विकेट चाहिए, लेकिन चारों दिशाओं से घेर लिया, छोड़ने वाले कहां थे झुंझुनू के जाबांज। एक अंक फिर से लगातार स्कोर वर्दी करता हुआ
और झुंझुनू की जीत यहां पे दिखाई देने लगी। 6 के मुकाबले 22 देखिए, बड़े जीत के अंतर से इस समय जीत की तरफ बढ़ता हुआ कौटिल्य और होम ग्राउंड का फायदा मिलता हुआ कुछ शतक कहना चाहिए। बगैर किसी पॉइंट के ही वापिस लौटना पड़ा फिर से कौटिल्य के रोडर को। और ये देखिए पांव से पहुंच गए, अच्छी तकनीकी यहाँ पे मिताथल की, लेकिन लगता है देर हो चुकी है। काफी देर के बाद ये पॉइंट मिला है, दूसरे हाफ में पहला पॉइंट मिताथल का। सात के मुकाबले 23 है स्कोर, यानी कि 16 अंकों की बढ़त है झुंझुनू के पास। और ये देखिए आसानी से कैच कर लिए गए, एक पॉइंट फिर से, तो पिछला जो एक मिनट का खेल उसमें 2 पॉइंट हासिल किए हैं। और ये देखिए, अरे वाह, अच्छा कार्य करते हुए रेडर आउट यहाँ पे। और ये इशारा माईलाल जी बुडादिया ने भी दर्शाया कि बाहर चले गए हैं, पुश करने में कामयाब कौटिल्य। अभी हार नहीं मानी है मिताथल ने, लेकिन बढ़त अच्छी खासी इस समय झुंझुनू के पास। गुड़गांव वाली माता मंदिर की असीम कृपा ग्रामवासी पर, क्षेत्रवासियों पे। और ये देखिए अच्छा नियंत्रण है, लक्ष्य रेखा के बिल्कुल करीब थे, लेकिन सुनील ने अच्छा कार्य किया। और यहाँ पे कृपया शांति बनाए रखे, शांति का दान दें, आस्था का मंदिर है ये, खेल भावना का परिचय दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे, पुलिस के जवान भी तैनात हैं, इसलिए शांति का दान दें। फिर से खेल शुरू और नियंत्रण सही, और एक पॉइंट यहाँ पे बटोर लिया मिताथल के रेडर ने। झुंझुनू के पास बढ़त, इसलिए बहुत ज्यादा दबाव है इस समय मिताथल के ऊपर। कैच करने की कोशिश और जबरदस्त कार्य किया यहाँ पे सुनील ने, टेकल करने में कामयाब। और अब देखिए सुपर टेकल ऑन है, मौका है मिताथल के पास पॉइंट अर्जित करने का। यहाँ से दियोला, अरे ज्यादा आगे चले गए, छोड़ने वाले अब कहाँ, अपने ही जाल में फंस गए। एक और पॉइंट कौटिल्य डिफेंस एकेडमी के कांटों में, अब मुश्किल होगा वापसी करना क्योंकि अब 4 मिनट का खेल बाकी है दूसरे आपका। और यहाँ लगता है जीत लगभग तय सी नजर आ रही है, लेकिन संभावनाओं का खेल है। और सुनील यहाँ पे पुश करते हुए बाहर धकेल दिया, रेडर आउट, जी हाँ रेडर आउट, एक पॉइंट मिताथल की झोली में। और ये देखिए उठा ले जाएंगे, वही किया जो मिताथल ने किया था, पुश करते हुए बाहर धकेल दिया, बेहतरीन कार्य किया, सीमा रेखा ही उड़ा दी जो साइड लाइन थी उससे बाहर धकेल कर लीजिए। इसी के साथ खेल खत्म और मुकाबला कौटिल्य डिफेंस एकेडमी ने जीत लिया है। बहुत ही शानदार खेल दिखाया कौटिल्य डिफेंस एकेडमी ने, 27-12 यानी कि 15 अंकों की बढ़त से मुकाबला कौटिल्य डिफेंस एकेडमी झुंझुनू ने जीत लिया है। दूरभाष के माध्यम से इस समय जानकारी प्रेषित करते हुए जो पीपली पुलिस चौकी में कार्यरत हैं राजस्थान पुलिस के जवान, और इस समय बधाई देते हुए कि कौटिल्य डिफेंस एकेडमी जीत गया। ऑडियंस काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से मुकाबला यहां पे जीता कौटिल्य डिफेंस एकेडमी ने। गुड़गांव वाली माता मंदिर से मैं गजानन दोबड़ा आपको वापस ले चलते हैं। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।